शमशान वासी अबारा, शमशान वासी अबारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। शिव तत्व कर शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी ये सदानंद कार्तिकेय अगर रुष्ट होकर चले भी गए हैं तो इनको मना कर लाने का हमारा काम। बुढ़ापे का एक परम आभूषण है, बुढ़ापे में आपके पास धन ज्यादा होगा तो आपको लगता है कि दुनिया के लोग आपको पूछें नहीं। बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपके पड़ोसी भी आपको दो रोटी दे दें, आपके बच्चे भी आपको दो रोटी दे दें, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछ लें, आपके कुटुंब वाले भी आपको पूछ लें। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है? बुढ़ापे में क्या आपके पास होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको प्रेम करें, आपके रिश्तेदार आपको स्नेह करें, आपके परिचित आपको दो रोटी दे दे? बुढ़ापे का परम आभूषण बुढ़ापे में क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के पास में? तो शिव पुराण कहती है, बुढ़ापे में धन तुम्हारे पास में है उससे मतलब मत रखना, बुढ़ापे में जमीन जायदाद तुम्हारे पास है उससे मतलब मत रखना। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना, जितने चुप रहोगे उतने दुनिया के लोग तुम्हें पूछें। पर महाराज खाया बिना रह जाऊं, देख लो मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दो। बुढ़ापे का परम आभूषण है तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा मौन रहना, एकदम साइलेंट, एकदम चुप। पर जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात याद रख ले, दुनिया के घर में तो एक लड़के की एक बहू आएगी, पर पार्वती तेरे तो गणेश जी की दो, कार्तिकेय जी की दो। शंकर भगवान के परिवार जैसा कोई परिवार कितना बड़ा, नाते रिश्ते कुटुंब कबीला कितने बड़े संबंध है। किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देवदेव महादेव में, मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देवदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शिव जी के तन पर भस्म है, वो भस्म भी पूजा रहा है। शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष भी पूजा रहा है। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा जा रहा है।
शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पूजा रहे। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पूजा रहे। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विशहरा, सामरीबारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी, वो भी पूजा रहे। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पूजा रहे। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो शुभ लाभ, वो भी पूजा रहे। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं आमोद प्रमोद, वो भी पूजा रहे। गणेश जी की एक बहन है, वो भी पूजा रहे। मैं शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा रहे। संतोष संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो, सब। केवल एक देवल में महादेव का परिवार एक ऐसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल एक ऐसा है जिनकी पूजन सब परिवार के एक 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 बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण केवल इतना सा है, शंकर भगवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने परिवार के एक एक बच्चे का पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा, इसलिए संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। अब हमारी गलती क्या है, सास को 24 घंटे बहू की निंदा से फुर्सत नहीं है, थोड़ा बुरा लगेगा, ए रेवाड़ी की जीजी, ए ताई, बताओ, बस सावधानी से सुनना। हम अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में, अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं, इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से रिद्धि सिद्धि, जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन कर लूं। कौन बोली, जम के बोलो जरा, लक्ष्मी जी बोली।